असल में हुआ ये कि 14 जनवरी 2019 को कैफी साहब की 100th बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो ज़ाहिर है हमने ये तय किया था कि सारा साल जश्न मनाएंगे, और जश्न जो है सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कई शहरों में है, और यूके में भी है और यूएसए में भी हो रहा है, तो इसमें अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। फिर बैठे बैठे हमको ये ख्याल आया कि कैफी साहब बच्चों को बहुत चाहते थे, उनके साथ आपने ये जब तस्वीर देखी तो आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे उनको लिपटे में हैं, तो बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। तो इस तरह से ये आइडिया आया कि अगर कोई पेंटिंग और ड्राइंग का कंपटीशन करें जिसमें बच्चे कैफी की किसी नज़्म के टाइटल पर वो लिखें, तो फिर लोगों ने अलग अलग सुझाव दिए, पर किसी ने कहा कि प्यार का जश्न उनकी एक बहुत फेमस नज़्म है, उसको बना के इस तरह से आइडिया आया। अच्छा, तनु जी क्या कहना चाहेंगी आप, और प्यार का जश्न जैसे समाज में वो उसकी तरफ देखिए, वो थीम लेके आपने कहा, और अलग जश्न जब प्यार की हम बात करते हैं, आप एक बहन भाई का हो सकता है, एक माँ बेटे का हो सकता है। जी मुझे इसी बात की खुशी है कि हम जो कंपटीशन कर रहे हैं वो एक सेलिब्रेशन ऑफ लव है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि बच्चों के क्या इंटरप्रिटेशन है। हम एज एडल्ट्स इसका इंटरप्रिटेशन कुछ और ही देते हैं, अब बच्चे जब कुछ बनाएंगे तो हमको उससे कुछ शायद इंस्पिरेशन मिले टू हैव मोर एंड मोर सच प्रोग्राम्स, एंड वी माइट पिक अप समथिंग फ्रॉम विच हमको ऐसे लगे कि इस बेसिस पे हमको कुछ और करना चाहिए। सो हमको लगता है दिस विल प्रॉबेबली बी एन ओपनिंग फॉर अस टू, क्योंकि साल भर के ये सेलिब्रेशंस होने वाले हैं, तो शायद बच्चे हमें कुछ आइडिया दे दें, और बच्चों के साथ तो एनर्जी अलग ही होती है। तो स्पेशल किट भी हैं, वो भी आमंत्रित हैं, हमने देखा था वो भी पेंटिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अब ये किसका आइडिया है कि वो भी हिस्सा है और एक अलग पैगाम, एक अलग मैसेज जाता है। नहीं, लेकिन देखिए हमारे नज़र में जो है कोई भी बच्चा, वो कहाँ से भी हो, किसी भी तबके का हो, बच्चा बच्चा होता है, और इसके बारे में जिक्र करना भी मैं समझती हूँ कि सही नहीं है, क्योंकि एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी है, तो जो जिस बात का ख्याल रखा गया है वो ये है कि हर तबके के लोग और हर तरह के बच्चे इसमें हो, बच्चे बस बच्चे होते हैं। नहीं, और ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं वो बहुत चाहते हैं कि वो इंक्लूड हो जाए, एंड दैट गिव्स देम द कॉन्फिडेंस। असल में होता क्या है कि उनमें कॉन्फिडेंस है, अडल्ट्स को नहीं पता रहता है कि उनके साथ किस तरह से वो मिक्स करें, और तो अडल्ट्स के लिए भी नॉर्मलाइज करना सिचुएशन को, ताकि आपको डर नहीं लगे कि कोई मैं गलती तो नहीं कर दूँ, कुछ हो जाएगा, जस्ट बी नॉर्मल, जस्ट इंटीग्रेट दैम। जब भी मैं आपसे मिलता हूँ मुझे बड़ा एहसास होता है कि आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही होगी कैफी साहब से, अनगिनत इवेंट्स आपकी तरफ से आते हैं, मतलब आई गेट गूज बम्स व्हेन आई सी यू एज अ डॉटर, योर रिलेशनशिप विद योर फादर, कुछ यादें ताज़ा होती हैं जब भी, और अनगिनत बार आप जिक्र करती हैं, इमोशनल होना तो लेकिन इमोशनल हर बार होती रहेंगी, लेकिन कुछ यादें जो बहुत इमोशनल कर देती हैं आपको कैफी साहब को। कैफी साहब, मुझे लगता है मैंने इतना ज़्यादा कैफी साहब के बारे में बोला है कि आप तन्वी जो उनकी बहू हैं उनसे पूछे, क्योंकि ससुर और बहू का कैसा रिश्ता था। देखिए जब कैफी साहब ने औरत नज़्म लिखी थी आज से 70 साल पहले, तो सिर्फ वो एक नज़्म लिखी नहीं थी, उनकी ज़िंदगी में उसने उसको उतारा था, तो चाहे वो उनकी बीवी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, जो उन्होंने कहा ठीक वैसा ही उनका व्यवहार रहा है। तो पहले तन्वी बताएं कि कैफी साहब के साथ क्या रिश्ता था। कैफी साहब के साथ तो ससुर और बहू का था ही नहीं, बाप बेटी का ही था, और अंदर की बात मैं आपको बता दूं कि शबाना जी ज़रा जलती भी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी सारा प्यार मिलता था कैफी साहब से, तो किस्सा सुना दो। नहीं, मैं ही बताती हूँ वो किस्सा। असल में क्या है कि कैफी साहब मुझे जो है मेरे गुलाब का फूल कहते थे हमेशा। हाँ, अब तन्वी भी आ गई, तो एक दिन मैंने सुना कि ये तन्वी को शबाना थी नहीं कमरे में, तो उस वक्त अब्बा जो है ज़रा प्यार से मुझे लाड़ कर रहे थे और कह रहे थे मेरे गुलाब का फूल, मेरे गुलाब का फूल। तो जब ये निकली तो मैंने जाके कहा आप सारी उम्र मुझे गुलाब का फूल कहते हो और अब आप अपनी बहू को कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो कहते नहीं नहीं तुमने गलत सुना, मैं तो उसको गोभी का फूल कह तो ऐसा पटाते थे वो हम सब लोग। इसके बाद और क्या करने की तैयारी है जश्न के माध्यम से या मेज़बान के माध्यम से, और किस बिना पे जैसे उम्र का भी दखल किया है कि 10 से 15 साल तक।
कैसे आपने पूरा जीरो डाउन किया, कैसे प्लान किया कि ये स्कूल्स या ये बच्चे या जो जो बच्चे तो हिस्सा बनना चाहे बन सकते हैं, लेकिन उम्र का और देखिए ये सोचा गया था कि क्योंकि ये नज्म के उन्वान पर है तो ऐसे बच्चों को ले जिनके पास थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हो, अगर बहुत छोटे बच्चों को ले लेंगे तो शायद उनके लिए इसको हज़म करना मुश्किल होगा, तो इस बात का ख्याल रखा गया। फिर जो जुहू सिटीजन्स वेलफेयर ग्रुप है वो हमारे साथ जुड़े, क्योंकि कैफ़ी आज़मी पार्क बनाया ही गया था इस ख्याल से कि यहाँ अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ हों, क्योंकि कैफ़ी साहब ख़ुद इतने एक्टिव इंसान थे, तो फिर उन्होंने हमको सपोर्ट किया। और सही मानों में नैना दास गुप्ता जो हैं उन्होंने ये पूरा कंसीव किया है इनके साथ, जबीन के साथ, सो वी आर वेरी हैप्पी। आप इतना सही बात कह रहे हैं, इस बात को मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि मुल्क के बाहर ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें प्रोडक्शन सिखाया जाता है, यहाँ तो प्रोडक्शन के लिए आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए और किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं। मुझे लगता है कि ये बात जो है ख़ास तौर से जो इंस्टीट्यूट्स हैं इनको ये समझाना ज़रूरी है कि दैट ऑल्सो नीड्स ट्रेनिंग। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू। नो, इट हैज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द सिलेबस ओनली, इट कांट बी समथिंग, मतलब अभी जैसे ये बाकी डायरेक्शन एंड सिनेमाटोग्राफी एंड एक्टिंग स्कूल्स होते हैं उसी के अंदर प्रोडक्शन हैज़ टू बी अ पार्ट ऑफ दैट। हाँ, मगर जो है इंस्टीट्यूशंस लाइक FTII, पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट या सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट जिनको सब्सिडाइज करती है, उसमें तो यकीनन इसको इंक्लूड करना चाहिए। आखिरी सवाल, और मैं उम्मीद करूंगा शबानी जी नाराज ना हो, सवाल कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान ने कहा है कि वो इंडियन कंटेंट को बैन कर दिया है, और उस बारे में आपको जरूर कहना है। देखिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ की बात है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को जोड़ता है, जो लोगों को अलग नहीं करता है, तो हमको ये भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये पाकिस्तान के लोग नहीं चाह रहे हैं, ये पाकिस्तान के सियासतदान चाह रहे हैं, हमारे भी सियासतदान ऐसे चाह रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ये आप हमारे हाथ बांध देते हैं, जब आप कहते हैं कि आप इंडियन कंटेंट को नहीं अलाउ करेंगे तो आपने हमारे हाथ बांध दिए, फिर हम भी रिटेलिएट होकर कहेंगे कि हम आपका कंटेंट। तो जो एक इतना बड़ा, हमारे पास इतनी बड़ी सहूलत है कि हम एक ही सब कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हमारे टैलेंट्स इकट्ठा करके हम इसको कितना बड़ा रीजन बना सकते हैं, लेकिन इस तरह की अगर आप सख्त व्यवहार करेंगे हमारे साथ तो हमारे पास कोई कोई चारा नहीं रह जाता, जो कि बहुत तकलीफ़ की बात है। क्योंकि जैसे कि फैज़ अहमद फैज़ की जो बेटियां हैं वो फैज़ इंटरनेशनल फेस्टिवल करके कितनी कोशिश करती हैं कि हम सियासतदान अपना काम करते रहें, हम जो हैं वो प्यार का रिश्ता एक दूसरे के साथ नहीं तोड़ें, क्योंकि अभी भी इतने सारे परिवार, इतने सारे ख़ानदान हैं जो कि आधे वहाँ हैं आधे यहाँ हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो हमको इतनी इज्जत मिलती है, जब वो हमारे पास आते हैं तो हैरत ज़दा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि बाप रे आप तो बिल्कुल हमारी ही तरह हैं। तो ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है जिसमें जो आप सुनते हैं करते हैं और जब आप रियल लाइफ में मिलते हैं तो जो फ़र्क आपको मिलता है वो बहुत है, और ख़ास तौर से कला के लिए मैं समझती हूँ बहुत ही ज़रूरी है। ओके ओके।